जैसा कि आपको पता है कि स्पाइस मनी ने एक्सिस बैंक की कासा सर्विसेज को एक महीना पहले ही लॉन्च कर चुकी है, यानी कि अगर आप स्पाइस मनी की रिटेलर हैं तो आप किसी भी कस्टमर को एक्सिस बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का समस्या है कि उनकी आईडी में एक्सिस बैंक वाली जो अकाउंट ओपनिंग की सर्विस है वो शो नहीं हो रहा है, यानी कि लाइव नहीं हुआ है। तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अकाउंट ओपनिंग वाला जो सर्विस है कैसे आपकी आईडी में लाइव होगी। कंपनी ने साफ बोल दिया है कि हम अकाउंट ओपनिंग की सर्विस उन्हीं रिटेलर्स को देंगे जिनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका होगा, या फिर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के संपर्क में होंगे, डिस्ट्रिक्ट लीड के संपर्क में होंगे तो आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी। इसका मतलब है कि अगर आप अकाउंट ओपनिंग की सर्विस चाहते हैं तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपकी आईडी में अकाउंट ओपनिंग वाला जो सर्विस है वो लाइव नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे कराएंगे। तो फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए या तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना है या फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लीड से संपर्क करना है। अब इसकी इन्फॉर्मेशन आपको आईडी में ही मिल जाएगी। अपनी आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कॉर्नर में देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलता है मोर का, तो मोर वाला ऑप्शन पे ही आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ही देखेंगे तो आपको मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, यानी कि जो प्रेजेंट में आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका नाम वहाँ पे शो हो रहा है। और साइड में एक कॉलिंग आइकन भी बना हुआ है, उस पर जैसे ही टच करेंगे तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी शो हो जाएगा और आप चाहें तो डायरेक्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे ऐसे रिटेलर हैं जिनके मन में भ्रम है। पहले क्या होता था कि कहीं से भी आईडी किसी से संपर्क करके ले लेता था, जैसे मैं राजस्थान से हूँ और आप बिहार का हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स भेज के और ऑनलाइन ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाता था और आपकी आईडी बन जाती थी। तो अभी तक वैसे रिटेलर का मन में भ्रम बना हुआ है कि हमने जिससे आईडी लिया है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी वही हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मार्च 2022 के बाद से स्पाइस मनी में ये पॉलिसी आई थी कि अब एरिया वाइज कर दी गई है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि प्रेजेंट में आपके डिस्ट्रीब्यूटर कौन है और उनसे ही आपको संपर्क करना होगा, तभी आपका वेरिफिकेशन हो पाएगा, या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट लीड से भी संपर्क करके वेरिफिकेशन करा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए या तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपको जाना होगा या फिर खुद डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं।